तो मैं ये कह रही थी कि युद्ध से कल मैं हंसी मजाक में बहुत देर से कह रही हूँ कभी कई बार, अरे यार मैं भूत तो नहीं लग रही हूँ, ये तो नहीं लग रही हूँ, लुक्स पे बहुत फोकस है हमारा। एक दिन मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, चल रही है ज्यादा, कल विमेंस डे है, यानी विमेंस डे का मतलब ये नहीं है सिर्फ महिलाओं के लिए, उसमें पुरुष भी बहुत हद तक अपने मतलब भागीदारिता निभाते हैं। मैं मतलब एक छोटा सा मैसेज है कि हमारा जो फोकस है ना लुक्स पे बहुत ज्यादा है, पूरी सोसाइटी का काले गोरे सुंदर फलाना ढिमकाना। और इवन मैंने तो ये भी कमेंट्स पढ़े हैं लाइव चैट में कि मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो शादी नहीं होगी, लड़का नहीं मिलेगा। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप अपने लिए एक इंसान ढूंढ पाए ढंग का जो आपके आपके सच में लाया हो। देखो ब्यूटी सब्जेक्टिव है, हो सकता है जो मुझे सुंदर लगता हो आपको बिल्कुल सुंदर ना लगता हो, मतलब ब्यूटी जैसा तो कुछ शब्द फिर बचा ही नहीं ना इन जनरल, अगर आप जनरलाइज करेंगे तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। मतलब इस चीज को हम महत्व ना दें बहुत ज्यादा और अपनी एबिलिटीज पे फोकस करें। और सबसे बड़ी बात दिमाग में ये ना रखें, अरे मैं तो लड़की हूँ, क्योंकि सोसाइटी ने भर दिया है किसी ना किसी फॉर्म में कि आप बहुत सारी चीजों पर बिना मतलब टैग लग जाता है। बस आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें भाई, मुझे पता है अगर मैं रात को 2 बजे जा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैनेज हो पाएगा या नहीं, या मैं जबरदस्त 2 बजे इसलिए ना निकलूं क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे प्रूव करना था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, है ना। तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, इसके अलावा कोई भी दिमाग में ऐसी चीज ना लाए कि आप लड़की हैं तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकती, या कोई एक रीजन है, या फिर सुंदरता जरूरी है, या फलानी चीज जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है। आप जीवन में अपनी आइडेंटिटी ढूंढिए, चाहे वो नौकरी हो काम करिए, सबसे जरूरी काम करना मुझे ये लगता है, कुछ भी आप करते काम का मतलब ये नहीं आपको स्कूल से पैसे नहीं मिले, चीज से गुजारा होगा आपका। बात यह जब आप 4 लोगों में जाते, मेरी मम्मी वर्किंग है, मेरी सिस्टर वर्किंग है, इवन मैंने देखा है ये चीज, जब आप काम पे जाते हैं ना, हमारी अभी बीच में बात हुई थी थोड़ी खराब थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, ये वो यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है, बट सबसे बड़ा मुद्दा काम करने का ये, आप 4 लोगों से मिलते हैं जब जाते हैं, वहाँ 4 तरह की बातें होती है, आपको पता चलता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, और वो जो घर के झगड़े होते हैं वो भी कम होते हैं क्योंकि आपकी भी एक दुनिया है, आप घर में चुपचाप नहीं बैठी हुई है कि आपका पति तो काम करने जाता है, उनकी दुनिया है और फिर आप उनका साथ खाते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको बाहर जाने को मिलता नहीं उतना। तो कोशिश कीजिए आप इस लायक बनाए अपने आपको, प्राइवेट गवर्नमेंट जिस भी लेवल पे आपकी जो भी इच्छा है आप काम करते रहें और कुछ ना कुछ मतलब वर्किंग पर, ऐसा मैं इस चीज को प्रमोट करती हूँ बहुत ज्यादा कि आप काम करें, उससे बहुत सारी चीजें बेहतर होती है और हमेशा खुद को इम्प्रूव करने पर हम फोकस रखें, पता नहीं लगता है लाइफ में खत्म हो जाती है ना। तो ये छोटी सी बात है कि एक तो हमें दिमाग में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं लाना कि लड़की है तो ये है, लोग तो कहते ही है हमेशा, सेल्फ एस्टीम भी डाउन करके रखते हैं कई बार, और इवन मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है बट वो इस तरीके की चीजें नहीं है कि मतलब फैमिली का बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है, इसके अलावा कई बार फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, मैं अपने किस में नहीं कह रही हूँ, इन जनरल कह रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप रुक जाएंगे किसी भी कारणवश, है ना, सब सुनते हैं यहाँ पे, जो भी नॉर्मल फैमिली से गया उसने सारी चीजें सुनी है, उसको सारी चीजें पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में बिठा के उसको बहाना बना लेंगे कि हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सास तो ताने देती है हमें और हमारे पति तो हमसे ये कहता है कि तुम्हें तो कुछ होगा ही नहीं, अब तुम्हें कुछ आता नहीं है क्योंकि वो 4 दिन से बाहर जाते हैं और आप 4 दिन से घर में रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी को तलाशिए और आप में मुझे लगता है जितनी क्यूरियोसिटी है उतनी शायद ही नॉर्मल लोगों में होती है, जितनी महिलाओं में है, शक्ति भी बहुत ज्यादा, मैं बायस नहीं हो रही हूँ बट मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ आपको, है ना। तो हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस, और आप कई मेल होंगे अब वो ये कह रहे होंगे यार हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, आप लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज ने ऐसा बना दिया कि लड़का काम ना करे तो पता नहीं कितनी बड़ी बात हो जाएगी, लड़की ना करे तो चल जाता है फिर भी, तो उस चीज में आपके ऊपर भी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कुछ चीजों को लेके आप भी ओपन माइंडेड बने और जो आपके जो बोझ आपने अपने कंधों पे लिया होगा उसको भी हल्का सा कम करें, मतलब शेयर करने की कोशिश करें, उससे क्या होगा सोसाइटी पूरी आगे बढ़ेगी, जब 2 कदम आप आगे आएंगे 2 कदम आपकी वाइफ या जो भी आपके घर में मुन्नी है वो आगे आएंगी, चीजें बदलती हैं और ऐसी बदलती हैं, आप यहाँ 1000 लोग हैं 1000 लोग आगे पता नहीं कितने लोगों को प्रभावित करेंगे। तो कोशिश कीजिए विचारों से चीजें बदलें और हम अपने एक्शन काम कर सकें, अभी सबने सीखा किया टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए लेकिन पढ़ाने पे जोर दीजिए, पढ़ाइए थोड़ा बहुत पढ़ाइए लेकिन पढ़ाइए। और कई लोगों का ये रहता है कि मैं प्राइवेट जॉब करूं या फिर मैं अभी तैयारी करूं, तो 6 महीने तैयारी कर लो ढंग से, फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब भी करनी हो तो साथ में तैयारी चलती रहेगी और जॉब भी करते रहना, तो वो एक इंपॉर्टेंट काम है, ट्यूशन पढ़ाना तो वो कराते रहना, लेकिन 6 महीने अच्छे से दो अपनी तैयारी को, प्रॉपर तैयारी को, जिसमें आप 7 घंटे पढ़ रहे हो या मेहनत से पढ़ रहे हो अपनी स्ट्रेटजी बना के, है ना। बाकी बहुत लेक्चर हो गया, इतनी सीरियस बात करनी नहीं, लेकिन मैं